तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स सब्जी, जो कि जो मैंने सब्जी बनाया है आलू और सोयाबीन की, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही टेस्टी सब्जी ये बनकर तैयार हुआ है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल कम मसाले में बना के रेडी किए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे इसे हम बनाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैस को ऑन कर लेना है। गैस ऑन करके इस पर हम रख दिए हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिए हैं एक गिलास पानी। तो पानी में हल्का सा उबाल आने लगा है, आप देख सकती हैं। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लिए हैं ये 10 रुपया वाला जो आता है, 10 रुपया का छोटा पैकेट है ये। तो ये सोयाबीन है, सोयाबीन की आज हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 पैकेट लिए हैं, आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं, जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन को हम हल्का सा गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे, इससे इसका सॉफ्टनेस हो जाएगा और जो गंदगी रहता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल निकल जाता है। तो इसलिए हल्का गुनगुने पानी में इसे कर लेना चाहिए, तभी बनाना चाहिए। गैस को कर दिए हैं बंद, और अब यहाँ पर हम सभी को निकाल लिए और फिर से कढ़ाई को रख दिए हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पर हम तेल डाल रहे हैं फ्रेंड्स सरसों का, क्योंकि हम सरसों के ही तेल में सब्जी बनाते हैं। अगर आप लोग कोई और तेल खाना पसंद करती हैं तो उसे डालकर बना सकती हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम सोयाबीन को डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, ताकि जो ये कच्चापन है इसके अंदर का पानी वो सारा निकल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्राई होने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी देख सकती हैं कि सोयाबीन जो है फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लिए सभी सोयाबीन को, और वही उसी तेल में फिर से हम अब मसाला भूनेंगे। तो यहाँ पर हम तड़का के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज कट करके ले लिए हैं, प्याज को लाल होने देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्याज भी लाल हो चुका है, और यहाँ पर हम मसाला पहले से पीस के रखे थे फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाया नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा 1 चम्मच खड़ा धनिया पीसे हैं मसाले में, और लहसुन, प्याज और लाल मिर्च, बस यही मैंने मसाले में पीसा हुआ है और कुछ भी नहीं। इससे जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप लोग बना कर देखिएगा। सोयाबीन तो आप लोग कितना बार बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा। इसमें अब हम डाल दिए 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद अब इसमें डालेंगे नमक, जो कि नमक टेस्ट अनुसार नमक डाल देना है, आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और अब मसाले को भूनेंगे, मसाला जितना बढ़िया भूना हो ना फ्रेंड्स, वाकई में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर आपकी तैयार होगी। चाहे जिस चीज़ की सब्ज़ी बनाइए, मसाला भूना अच्छा रहना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखे हैं, टमाटर ले लिए थे 3, और 3 टमाटर को कट करके डाले हैं, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा अधिक डालिए ना तो सब्ज़ी जो है बनेगा जो ये बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे। और आप जब सब्ज़ी मेरी बनेगी ना तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये हम ले लिए हैं बॉयल आलू, तो बॉयल आलू से और सोयाबीन से आज हम सब्जी बना रहे हैं। तो बॉयल आलू को पहले से हम बॉयल कर लिए थे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और मसाले के साथ इसको भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि आलू में मसाले अच्छे से मिल जाए। और अब जो हम सोयाबीन को रखे थे फ्राई करके, हल्का सा उसे भी डाल देते हैं। डालने के बाद इसे बिल्कुल बढ़िया सा 1 से 2 मिनट दोनों को साथ में मसाले के भून लेंगे, ताकि जो है मसाला बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। और इसमें अब हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से, आप चाहे तो सूखी सब्जी भी रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें
पानी डाल दिए हैं, आप जितना चाहे रखना उतना रख सकती हैं, ज़्यादा या कम। इससे थोड़ा सा पतला भी कर सकती हैं, इससे थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा देख सकती हैं ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। लिड लगा के इसे हम ढक दिए हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो पका ही है। आलू भी बॉयल है, सोयाबीन भी पका है, तो सब कुछ पहले से ही पका है। बस ये हम जो पानी डाले हैं, ग्रेवी अच्छे से पक जाए, फिर इसे हम एक बार देखिए खोलकर चेक करते हैं। बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब इसमें ऊपर से डाल देते हैं फ्रेश धनिया और गैस को कर देते हैं बंद। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देख सकती हैं सब्जी बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। देखने से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सब्जी कितना बढ़िया बना हुआ है और बिल्कुल टेस्टी सब्जी बनकर ये हमारा तैयार है। तो ग्रेवी आप देख सकती हैं ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को देख सकें। वीडियो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, हो सके तो अपने फैमिली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।